बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग की दुआओं से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज हम जा रहे हैं अजमेर से, पुष्कर रवाना हो रहे हैं। हम सभी लोग एक गाड़ी में बैठे हैं, तो आइए चलिए मिलते हैं। मोबाइल में हाँ सुनो। तो हम लोग पुष्कर के लिए रवाना हुए हैं, एक गाड़ी में बैठे हैं और बहुत मस्ती करी सबने गाड़ी में बैठकर। स्पेशली बच्चों ने तो बहुत ज़्यादा मस्ती करी है। हम जा रहे हैं रास्ते, और रास्ते का व्यू भी आपको दिखा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। आप इसका व्यू देख सकते हैं। तो इतना खूबसूरत था कि मुझे लग रहा था मैं जाऊँ ना पहले यहीं पर खड़े होकर फ़ोटोशूट वगैरह कर लूँ, लेकिन जाना भी था। और ये गाड़ी मैंने बड़ी करी है ताकि हम लोग सब एक साथ जाएं, और एक साथ जाने का मज़ा ही अलग होता है। अगर अलग अलग गाड़ी होगी तो इतना मज़ा नहीं आएगा। तो हम लोग अब पुष्कर मंदिर पहले जा रहे हैं, और इसके बाद हम जहाँ जहाँ जाएंगे आपको पूरी वीडियो में दिखाएंगे इंशाल्लाह हम लोग कहाँ कहाँ जा रहे हैं, और ख़ूबसूरती का नज़ारा भी मैं आपको दिखाती जाऊँगी। अल्लाह पाक ने कितनी खूबसूरत खूबसूरत जगहें बनाई हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। तो गाड़ी वाले भैया ने हम लोगों को यहाँ पर रेंडियर दिखाए। यहाँ पर देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थे, जिसे बारहसिंगा भी बोलते हैं, और इनकी खूबसूरती इनकी सींगों से होती है। और ये देखिए, बिल्कुल वेलवेट जैसी इनकी सींगें लग रही थी, और ये बहुत ही प्यारे थे। यहाँ पे बहुत ढेर सारे बंदर भी थे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बंदर थे ये देखिए, और किसी का नुकसान नहीं कर रहे थे। बस ये है कि यहाँ पर कुछ भी जो भी यहाँ पर बिकता है वो इन्हें ले कर ख़रीद देते हैं और इन्हें खिला देते हैं। तो ये देखिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ पर। यहाँ पर हम लोगों ने मूँगफली ख़रीदी है, थोड़ी सी ये कच्ची वाली मूँगफली होती है, जिसे होले भी बोलते हैं मूँगफली के, और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। तो ये लिया, और यहाँ के व्यू का हमने थोड़ा सा नज़ारा आपको दिखाने के लिए लिया है। यहाँ आएंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा, ये बहुत ही प्यारी जगह है। तो यहाँ से हम लोग अब रवाना हो रहे हैं, और ये गाड़ी आप देख रहे हैं ऊँट वाली, तो इसी पे इरादा है हम लोग का बैठने का। ये हम लोग को बहुत अच्छी लग रही है, बहुत ही प्यारी सी लग रही है। तो इंशाल्लाह अब हम लोग इसी पे बैठेंगे और वहीं चलते हैं जहाँ ये मिलेगी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ आए हैं, और जो गाड़ी जिन्होंने करवाई थी हम लोग के होटल वाले भैया ने, उन्होंने ये कहा था ये पुष्कर मंदिर यही गाड़ी ले जाएगी, लेकिन इन्होंने हमें यहाँ के उतार दिया और ये कहा है यहाँ से आप लोग ऊँट वाली गाड़ी करके जाओ। तो जब हम लोग ने होटल वाले भैया से बात करी तो उन्होंने कहा नहीं, ये गलत बोल रहा है, आप लोग इसी के साथ पहले पुष्कर मंदिर जाइए, वहाँ मार्केट देखिए, इसके बाद वापसी करिए, फिर यहीं आइए, और इसके बाद आप यहाँ से गाड़ी करके जाइए। तो ये इनसे जब कहा हम लोगों ने, तो ये फिर से हम लोगों को लेके वही मंदिर जा रहे हैं, पुष्कर मंदिर, जो पुष्कर मंदिर बहुत बड़ा मंदिर है। और यहाँ से सफ़र शुरू होता है डेजर्ट का, और यहाँ बहुत अच्छा लगेगा आपको। मैं पहाड़ दिखाऊँगी, रेत के पहाड़, ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, बहुत ही प्यारे हैं। मैंने तो अपनी लाइफ में पहली बार राजस्थान आई हूँ, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा, बहुत ही खूबसूरत व्यू था यहाँ का। और वीडियो में इतना अच्छा नहीं लग रहा जितना अच्छा सामने लग रहा है, बहुत अच्छा लगा मुझे। यहाँ गर्म भी थोड़ी कुछ ज़्यादा ही पड़ती है, बहुत तेज़ वाली धूप होती है, तो गर्मी तो खैर यहाँ पे अपने घर से ज़्यादा यहाँ हुई तो वैसे, लेकिन अच्छा बहुत लगा। अब हम लोग आ गए हैं पुष्कर, आप देख सकते हैं बिल्कुल हम लोगों ने इसी गाड़ी से हम आए हैं, जो तूफान लिखा हुआ है ना, ये गाड़ी बड़ी सी है, हम लोग इसी में बैठकर आए हैं। और अब हम लोग जा रहे हैं सीधे मार्केट की तरफ, जहाँ पे पुष्कर मंदिर है। ये एरिया को ही पुष्कर बोलते हैं, और यहाँ ब्रह्मा जी का मंदिर है, जो वर्ल्ड में सबसे बड़ा मंदिर है। अगर हो सकेगा तो मैं आपको दिखाऊंगी, वरना शायद हम लोगों का इरादा नहीं है वहाँ जाने का, सिर्फ मार्केट ही जाएंगे हम लोग। मार्केट ही बहुत ज़्यादा अच्छी है, और बिल्कुल ठीक सामने ही है, थोड़ी दूर का रास्ता है यहाँ से, और यहाँ पे एक रिज़ॉर्ट है पास में, और ये यहाँ पर आके फ़ोटोशूट हुआ, और बाकी लोग पीछे हैं, थोड़े लोग आ गए यहाँ पर। तो बच्चों की बहुत मर्ज़ी है कि हम लोग अंदर जाएं, तो अब हम लोग अंदर जा रहे हैं, और बच्चों को थोड़ा सा दिखा देते हैं, क्योंकि स्विमिंग पूल वगैरह है यहाँ पर,
तो अब यहीं चलते हैं। बस थोड़ी देर के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं, जब सब लोग आ जाएंगे तो हम यहाँ से पुष्कर मंदिर की तरफ जाएंगे। और बच्चे भी सारे आ गए हैं, देख सकते हैं हमजा भी आ गए और अनायजा भी आ रही हैं, मारिया भी अभी आ जाएंगी, दौड़ती हुई आएंगी, ये भी पीछे से आ रही हैं। हम पकड़ो यार, तो पानी देके कूद पड़ेगा। हमजा कैसा लग रहा है? मम है। हाँ बेटा, ऐसे करेगा, ऐसे ऐसे नहीं करना, चले जाओगे पानी के अंदर। सामान पकड़ो पकड़ो, चला जाएगा वो जी। अच्छा अच्छा, आए आए, चलो चलो चलो। पर्स नहीं लाए, नहीं लाए। तो मैं यहाँ से आपको दिखाती हूँ, वो देखिए सामने मंदिर का गेट है और बहुत ही बड़ा मंदिर है, अंदर भी बहुत ज्यादा बड़ा है, लेकिन हम लोग वहाँ नहीं गए, हम लोग आ गए मार्केट, और मार्केट में हम लोग कुछ ना कुछ जिसे जो लेना है वो लेंगे, लेकिन भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, तो सबसे पहले जा रहे हैं हम लोग कुछ खाने के लिए। भैया बहुत ज़्यादा जल्दी बुला रहे हैं। यहाँ पर ये पर्स बहुत अच्छे लग रहे थे और शॉप वाले भैया थे नहीं, अगर होते तो हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पर बहुत अच्छे लग रहे थे देखने में, हमने सोचा वापसी में लेंगे आके। तो कुछ ना कुछ हम लोग यहाँ से ज़रूर लेंगे, क्योंकि मार्केट बहुत अच्छी है और रिजनेबल रेट भी हैं, रेट बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। ये देखिए टी शर्ट कितनी प्यारी प्यारी है, किसी में कैमल बना है तो किसी में कुछ बना है, बहुत अच्छी लग रही थी यहाँ पर। और ये देखिए सारी मार्केट बहुत अच्छी है और सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लगा। बस हम लोग कचौड़ी के लिए जा रहे हैं, हमें भूख लग रही है, यहाँ बहुत ही फेमस कचौड़ी मिलती है, भैया ने कहा, क्योंकि भैया यहाँ और भी पहले आ चुके हैं तो यहाँ बहुत अच्छा लगता है, तो अब हम लोग यहीं की कचौड़ी खाएंगे। नहीं बैठो, गंदे हो जाओगे। हमजा ने देख लिया है यहाँ पे ट्रैक्टर और वो सारे काम छोड़ के पहले ट्रैक्टर चला रहे हैं, उनके पास भी बिल्कुल सेम ऐसी ट्रैक्टर है और वो चला रहे हैं। इधर ये लोग कचौड़ी खा रहे हैं, कचौड़ी वाकई बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, अजीब टाइप की कचौड़ी थी, उसमें कढ़ी ऊपर से डाल दी गई थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। और बस हम लोगों ने खाई और बस हम लोग यहाँ से चल दिए, क्योंकि ड्राइवर का फ़ोन आ गया था कि हम लोग को निकलना है यहाँ से। और ये सेरेमिक शॉप थी जहाँ पे सिर्फ सेरेमिक का ही सामान मिल रहा था और बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी था, लेकिन अच्छा बहुत था, मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर थोड़ी देर रुकते तो शायद यहाँ से कुछ ले लेते, मुझे बहुत अच्छी चीज़ें लग रही थी यहाँ पर, लेकिन भैया ने बहुत ज़्यादा उधम कर दिया कि चलो चलो जल्दी करो, तो हम लोग बस इतना ही बना पाए, बस सिर्फ आप लोग के लिए बस छोटी सी वीडियो हम बना पाए हैं। और मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा पाई, मैंने एक दो चीज़ों के रेट पूछे बस, और कॉस्टली बहुत था, क्योंकि आप खुद जानते होंगे अगर आपने सेरेमिक सामान लिया है, सेरेमिक चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती हैं। और यहाँ पर मुझे रिंग भी बहुत अच्छी लगी, मैं दिखाती हूँ आपको, तो ये रिंग यहाँ पर बहुत अच्छी हैं और छोटी भी थी बड़ी भी थी, मुझे एक रिंग बहुत अच्छी लग रही थी और बस वो भी मैं नहीं ले पाई, क्योंकि भैया का फ़ोन, आवाज़ें आने लगी थी कि फ़ोन आ गया है गाड़ी वाले भैया का। तो बस हम लोगों ने सारी चीज़ें छोड़ के बस हम लोग यहाँ से चल दिए हैं और जिसने जो सामान लेना था वो ले लिया है, बस हम लोग आगे के लिए निकल रहे हैं क्योंकि हमें और भी जाना है। ये देखिए राजस्थानी लेडीज़ हैं, कितनी प्यारी लगती हैं, घूंघट लंबे लंबे होते हैं, बहुत अच्छी लगती हैं, यहाँ का कल्चर मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये गाय है जिसके शोल्डर से एक और पैर निकला हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, तो ये भी बड़ी अजीब चीज़ लगी, अल्लाह ने पता नहीं क्या क्या चीज़ें दुनिया में बनाई हैं। और यहाँ पे देखिए खाना बन रहा है, चोखा बाटी रखी हुई है और तवे पे देखिए रोटियाँ बना रही हैं ये आंटी, बहुत सी ढेर सारी रोटियाँ बनी हुई थी और सारे लोग आगे निकल चुके थे, वरना मैं आपको पूरी वीडियो दिखाती है क्या बना रही हैं, क्या बेच रही हैं। खाने को तो बहुत मन कर रहा था, छोटी छोटी रोटियाँ हैं और ये रोटियों में घी लगा रही हैं। बस हम लोग आ गए हैं गाड़ी के पास और सभी लोग गाड़ी के पास खड़े हैं, यहाँ से निकलते हैं हम लोग, और हम लोग उसी जगह पे फिर से आ गए हैं जहाँ पे ये ऊँट की गाड़ियाँ थी। और बस हम लोगों ने यहाँ पर आने के बाद यहाँ बैठ गए हैं, देखिए
और कहाँ कहाँ हमें ले जाया जाएगा, ये सब चीज़ें यही डिसाइड होंगी और यहीं से हमें ऊँट करने को मिलेगा, यानी ऊँट की गाड़ी मिलेगी। सारे फ़ोटो देख सकते हैं आप, ये सभी कुछ लगा हुआ है और हम कहाँ कहाँ जाएंगे ये सब बताएंगे। और आज ही हमें निकलना है बाहर के लिए, दूसरी जगह हमें जाना है, तो हम ज़्यादा तो नहीं घूम सकते, हमें 6 बजे तक घर वापस आना है। आप देख सकते हैं बहुत अच्छी खूबसूरत जगहें हैं। अगर टाइम होगा तो हम ज़्यादा दूर तक जाएंगे, नहीं होगा तो बस हम थोड़ा सा ही घूम के ही वापस आ जाएंगे। जोर से बोलिए। हाँ और वो देखिए कैमल दिखा रही है ना, जब वो कैमल है, एक वो भी कैमल है, वो ढेर सारे कैमल हैं। अब हम लोगों ने ऊँट की गाड़ियाँ कर ली हैं और अब हम लोग बैठ कर यहाँ से निकल रहे हैं। हेलो हेलो बोल। ओए जी हम लोगों को बहुत मजा आ रही है। हमजा हेलो बोलिए। हेलो बोलो। हेलो हेलो। ये पकड़ो डोडा जल्दी आओ। एली आओ एली। हम लोगों ने यहाँ से 2 ऊँट की गाड़ियाँ करी हैं, क्योंकि हम लोग एक गाड़ी में तो आ नहीं सकते थे, इसलिए हम लोगों ने 2 करी हैं और एक पीछे और एक आगे, और बहुत मस्ती कर रहे हैं हम लोग। तो अब हम लोग यहाँ पर आ गए हैं और ये जगह सब कुछ पुष्कर ही बोला जाता है। ये जगह बहुत ही ज़्यादा प्यारी है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेजर्ट था और बहुत खूबसूरत जगह थी, लेकिन यहाँ की वीडियो मुझसे डिलीट हो गई, पता नहीं क्या हो गया, वीडियो मेरे पास से ख़त्म हो चुकी है। तो मेरे पास जितनी भी छोटी छोटी जो क्लिप थी मैंने वो आपके साथ शेयर करी है। और यहाँ वाकई बहुत अच्छा लगा सबको, बहुत ऊँचा सा पहाड़ था रेत का, तो लग रहा था कि हम राजस्थान आए हैं, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। ये जा रहे हैं हम लोग, कहाँ जा रहे हैं? नेक्स्ट लोकेशन पर। ये नेक्स्ट लोकेशन है लावा पूल। तो आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने मस्ती भरा डांस यहाँ पर किया, बहुत अच्छा लगा। और ये तंदूरी चाय यहाँ जो बन रही थी ये भी वाकई बहुत ज़्यादा टेस्टी है, मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ इसकी वीडियो शेयर करूँ। ये मुझे बहुत ही अलग टाइप की चाय लगी, बहुत ज़्यादा टेस्टी। पुष्कर की ये बेहतरीन चाय, मजेदार सी। आगे इनको भी देने, 4 चाय कितनी कम पड़ रही है इन लोगों को, अभी कम पड़ेंगे। छह सात चाय। एक मिनट मैडम जी, आपका दे रहा हूँ ये ले लो, ये ले लो दीदी, आ जाओ। ये यहाँ की बहुत ही स्पेशल चाय है, बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। सना ट्राई करने जा रही है और सब लोग पी रहे हैं। कैसी चाय है? चाय कैसी है? चाय बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी, बहुत ही ज़्यादा यम्मी, बहुत अच्छी लगी है चाय। एक चाय में एक अजीब सी सोंधी सी खुशबू थी, बहुत अच्छी आ रही थी और मुझे बहुत अच्छी लगी। इंशाल्लाह कभी भी घर में चूल्हा बनेगा तो मैं ज़रूर बनाऊंगी चाय को।
फिर मैं देखूंगी और इंशाल्लाह वीडियो भी शेयर करूंगी आपको कि ये चाय कैसी बनी। और यहाँ व्यू बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, लग रहा था कि सच में राजस्थान में बैठे हैं, बहुत अच्छा लग रहा था। बस हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे और अब हम यहाँ से वापसी कर रहे हैं, अब हम लोग घर के लिए वापसी कर रहे हैं और ये बहुत थके हुए सब लोग हैं। देखिए सबके चेहरे से आपको पता चल रहा होगा कि कितने ज़्यादा सब थक चुके हैं और सामा की आवाज़ बिल्कुल जा चुकी है। सब ने बहुत इंजॉय करा, सब लोग बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, बच्चे भी बहुत थक चुके हैं, बड़े भी थक चुके हैं। अब हम लोग जाएंगे, सबसे पहले होटल जाएंगे और वहाँ पर हम लोग को अपना लगेज तैयार करना है और फिर निकलेंगे दूसरी जगह के लिए। आ जाओ अनाजा, कहाँ थी? मैं आगे हो गई, अब मैं आ गई हूँ। हाँ अब मैं आ गई हूँ, मैं कहाँ आ गई हूँ भैया, कहाँ आ गई है नाजा? पता नहीं, पता नहीं। मन अभी भरा नहीं था हम लोगों का, हम लोग और भी घूमना चाहते थे, लेकिन अब हम लोग को निकलना है जयपुर के लिए। हम लोग जयपुर शाम की ट्रेन है हम लोग की। ये देखिए अना सागर रास्ते में पड़ता है और अना सागर आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। और ये देख सकते हैं रस्सी पे लड़की कैसे डांस कर रही है, कितना अच्छा लग रहा है, आप देखिए इसको। तो आपने देखा ये कितने अच्छे से बैलेंस बना के ये लड़की इतनी छोटी सी ये कैसे डांस कर रही है, और बहुत अच्छा लगा मुझे ये देख के, सबको बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।